क्या हो अगर आपको अचानक से किसी भी चीज के आर पार जाने की सुपर पावर मिल जाए। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम यूरी होता है। एक दिन रात को यूरी अपने घर वापस जा रहा होता है, लेकिन वह काफी ज्यादा ड्रंक होता है। नशे में होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही यूरी की मौत हो जाती है। लेकिन यूरी को यह बात पता ही नहीं थी कि वह मर चुका है और मर कर एक भूत बन चुका है। यूरी गाड़ी से बाहर निकलकर हॉस्पिटल जाता है। यहाँ पर उसे अपनी पत्नी लेना दिखाई देती है, जो यूरी की मौत की खबर सुनकर वहाँ पर आई थी। और क्योंकि अब यूरी एक भूत बन चुका था तो लेना उसे ना ही देख पा रही थी और ना ही सुन पा रही थी। लेकिन यूरी को ऐसा लग रहा था कि लेना उसके साथ नाराज है क्योंकि उसने काफी पी रखी थी। लेना के साथ ही गाड़ी में बैठ जाता है और पूरे रास्ते उससे बातें करता रहता है और लेना से माफी मांगता है। लेना यूरी के ऑफिस जाती है तो यूरी भी उसके पीछे पीछे ऑफिस चला जाता है। यहाँ पर वह एक लड़के को रोकने की कोशिश करता है कि तभी वह नोटिस करता है कि उसका हाथ तो उस लड़के के आर पार हो रहा था। यूरी पूरे ऑफिस में भागने लगता है और वह देखता है कि वह दीवारों और कई सारी चीजों के आर पार भी जा रहा था। भागते भागते यूरी की नजर अपनी तस्वीर पर पड़ती है जिसके सामने सभी लोग फूल रख रहे थे, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वह मर चुका है और मर कर एक भूत बन चुका है। यूरी अब सड़कों पर घूमने लगता है और गाड़ियां उसके आर पार होकर जा रही थी। रास्ते में यूरी को वान्या नाम का एक लड़का दिखाई देता है, लेकिन हैरानी की बात थी कि वान्या उसे देख पा रहा था और सुन भी पा रहा था। यूरी वान्या को बताता है कि वह एक भूत है, जिससे डरकर वान्या भाग जाता है। लेकिन यूरी उसका बस में पीछा करता है और जब वान्या घर जाता है तो वह उसके घर में भी पहुंच जाता है।